हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हो आप लोग? तो यार, आज का सीन ये है कि मैं सुबह 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 तो नहीं है, तकरीबन 11 बज गए, तो हमारे पास फिर से आए हैं माज भाई होटल के लिए। थोड़े ही दिन हुए और फिर से आ गए माज भाई। तो यार, उन्होंने कहा था कल मेरे बाबूजान से कि इनको कहना कि 11 बजे इधर आ जाए, क्योंकि फिर 12-1 बजे मैं निकलने वाला हूँ। तो यार, अभी जो है ना, मास के पास चलते हैं और जल्दी से फ्रेश होते हैं। हुमा जी, मास के पास जा रहे हैं फिर से। थोड़ा डांस कर लो। और नहा लो, पानी बह रहा है। ये अयान, आज फिर से क्या होने वाला है? माज भाई फिर से आ गए हैं और उन्होंने भावजैन को कहा कि इनको कहना कि उधर आ जाए। अच्छा, हाँ ना, जल्दी से फ्रेश हो या नहीं, पहले मैं फ्रेश हूँ। सबर कर, कपड़े जल्दी से चेंज करते हैं। तो फाइनली यार, कपड़े चेंज कर लिए हैं और जो है ना, बस अयान को वेट करते हैं, जल्दी से वो आ जाए, फिर निकलते हैं। चलो बाय बाय यार, माज के पास जा रहे। विनो, अल्लाह हाफिज। वो तो मुझसे पहले ही निकल गए। तो अभी गाड़ी का वेट कर रहे हैं कि गाड़ी आए और हम उसमें चले। हाय 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 यार, तो फाइनली गाइज, अभी हम पहुंच चुके हैं अली कंट्री क्लब एंड रिजॉर्ट। तो मास भाई ने कहा था कि 11 तक आ जाना, हमने 11 को आ गए थे, लेकिन तकरीबन हमने एक घंटा और 1.5 और हमने उनका वेट किया। तो वो अभी तक मेरे ख्याल में नहीं आए, पता नहीं क्या रीज़न हो सकता है। तकरीबन अभी 1 बजे तक उनका वेट करते हैं, 12:30 है अभी, तो 1 बजे तक उनका वेट करते हैं। अगर नहीं आए तो बस फिर हम चलेंगे। बाकी यार, यहाँ से आप व्यू चेक करें। आए हाय हाय हाय, क्या ही व्यू है यार। मतलब ठंडी ठंडी हवा और ये व्यू, आए हाय हाय हाय, मज़े आए हाय। तो रियान भी आ गया है। रियान, तुम्हारे हाथ में क्या है? यार ये पीच है माज भाई की। यार तो हमने माज भाई के लिए कुछ पीच लिया है और ये कुछ आड़ू है। नहीं, पीच और आड़ू तो एक ही हो गया। ये पीच है, ये खुबानी है और दूसरा क्या है? आलूचा। आलूचा, हम पश्तो में आलूचा बोलते हैं, आप पता नहीं उर्दू में आप क्या बोलते होंगे। और भाई रियान भाई, माज के कितना वेट किया माज के लिए? तकरीबन 11:15 पे आए हुए, 15 तकरीबन, एक घंटे से हमें ज़्यादा हो गया। लेकिन बस मामा ने कहा 1 o'clock तक वेट कर लो, फिर चले जाओ। नहीं यार, तो माज भाई ने गलत किया यार, 11 बजे का टाइम दिखाया था और नहीं आए। फिर वेट करते हैं, अभी इतना है यार, 1 बजे नहीं जा सकते, अभी वेट कर लेंगे। बस ने कहा कि मैनेजर ने कि 1:30 को उठेंगे, 1:30 को माज भाई उठेंगे, मैनेजर ने कहा है। तो बस देखते हैं यार, अगर 1:30 देखेंगे क्या होता है। आय हाय हाय, ये जिस तरह से पड़े हुए हैं ना यार, मन कर रहा है कि इसको कहा जाओ, लेकिन क्या करें, माज भाई के लिए लाए हैं तो फिर नहीं कह सकते। और ये मैं आपको बताता चलूँ, ये जो ये सब फ्रूट्स है ना, ये हमारे नाना के जो बागात है ना, उनसे हमने लिए हुए हैं। तो बस जल्दी में ले ली, क्योंकि माज भाई है तकरीबन अभी आज जा रहे हैं। हमने कहा कि बस चले ना जाए, तो हमने जल्दी में उठा लिए बस। यार गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है कि यार बस दिल कर रहा है कि इस पूल में डायरेक्ट कूद जाऊँ, लेकिन क्या करे, पानी ही नहीं है यार। मैनेजर ने कहा कि ऊपर होगा माज भाई, तो यार ऊपर भी चेक कर लिया लेकिन नहीं है। मेरे ख्याल में अभी तक नहीं उठे माज भाई। यार सुहात का मौसम चेक कर रहे हैं अभी, बिल्कुल मतलब बिल्कुल धूप थी। वो व्लॉग में आपको नजर आया होगा, बिल्कुल धूप थी यहाँ पर। अभी चेक कर ले यार, बिल्कुल चाव हो गई, सब सारे जगह में बिल्कुल चाव हो गई। पता नहीं सुहात का मौसम अलग ही मौसम है। रियान वहाँ पर बैठा हुआ है मज़े से व्यू को एंजॉय करते हुए। अस्सलाम वालेकुम माज भाई। भाई कैसे हो? ठीक ठाक।
माज भाई आपका बहुत ज्यादा वेट कर लिया, आपने लेट कर दिया। अरे यार मैंने नाश्ता मंगाया हुआ था और मुझे आप नहीं पता था, मैं समझा आप लोग नीचे बैठे हो कहीं। अच्छा अच्छा अच्छा, अगर यहाँ बैठे तो मैं डायरेक्ट ऊपर आ जाता। अच्छा हमने लेट सोए थे ना कल, हमने नीचे से पूछा था। माज भाई हमने आपका पिछला वाला व्लॉग देखा जिसमें आप उस साइड गए थे और आड़ू आपने खाया था, आपको स्वाद के आड़ू बहुत ज्यादा पसंद आए थे, तो हमने सोचा आपके लिए आड़ू ले लिया जाए और कुछ और फ्रूट्स हैं हमारे नाना के बागात से, ये फ्रूट्स हैं आपके। हाँ जी, ये हमारे नानी के घर उधर है ना सारे बागात उनके, तो हम जी जी ये आड़ू है। सच में? जी जी। वाह भाई वाह, ये आड़ू और ये क्या है? ये मेरे ख्याल में हम उसमें नहीं खुबानी नहीं, ये हम इस पश्तो में आलू चाय इसको कहते हैं। और माज भाई यार आप तो मतलब थोड़ा टाइम कराची फिर इधर, तो मैं कह रहा हूँ इधर सारा शिफ्ट शिफ्ट इंशाल्लाह कोशिश होगी यार, देखते क्या होता है। तो हम कह रहे थे माज भाई फिर अगर आओ कुछ गेम वगैरह फिर खेलेंगे उस साइड पे, है ना? हाँ, कौन सा क्रिकेट खेलते हो? हाँ, बहुत पसंद है, लगाओ कभी क्रिकेट, नेक्स्ट टाइम आऊंगा तो क्रिकेट खेलेंगे इंशाल्लाह। हमने सोचा आप आज जा रहे हैं तो हमने कहा कि बस आपसे जल्दी जल्दी से मिल लिया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया भाई, थैंक यू, आप बजाते हो बहुत अच्छा लगता है, मज़ा आता है जी। बाकी फ्रूट गिफ्ट किए तो उसका भी थैंक यू, अभी मैं लेके सर पे रख के ले जाऊँगा, कहाँ लेके जाऊँगा, सर पे रख के लेके जाना पड़ेंगे जी। चलो थैंक यू, चलो माज भाई हम चलते हैं। चलो भाई अल्लाह, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अगली बार आना तो ठीक है, गेम खेलेंगे, ओके ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू। तो भाई साहब यहाँ पर अभी माज भाई से मिल लिए। हाय हाय, तो फाइनली यार घर पहुँच गए फाइनली। बिन्नो वालेकुम। यार माज भाई से मिल लिया फाइनली अभी, बहुत ज़्यादा देर क्यों लगी? बस माज भाई ने टाइम दिखाया था 11, बस वो लेट हो गए पता नहीं, बहुत ज़्यादा गर्मी थी उधर। और हम पहले जैसे ही हम इस तरह पहले उनसे नहीं मिले, मतलब हमें उनका इतना नहीं पता था, जैसे आज उनसे मुलाकात हुई इतने अच्छे बंदे, बस मैं क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा अच्छे बंदे हैं। हाँ।